बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अफजल दरे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, रेस्क्यू 1122 की तरफ से नई वैकेंसी का ऐलान कर दिया गया है, जिसके एड में अभी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, नंबर वन पे जो पोस्ट है वो है स्टेशन हाउस इंचार्ज। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है BSc BA। उम्र के आदेश में 20 से 30 साल है। नंबर टू पे है कंट्रोल रूम इंचार्ज। इसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री रिक्वायर है। उसके बाद है ऑफिस असिस्टेंट, बैचलर डिग्री रिक्वायर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए BSc या BA क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। नंबर फाइव पे है ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंस्पेक्टर, इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ऑटोमोबाइल का रिक्वायर है। उम्र के हद 20 से 30 साल है। नंबर सिक्स पे है अकाउंट असिस्टेंट, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है BCom। नेक्स्ट है शिफ्ट इंचार्ज, इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है नर्सिंग का डिप्लोमा। उसके बाद है वायरलेस टेक्नीशियन, इसके लिए FSC या डिप्लोमा रिक्वायर है। उसके बाद है लीड फायर रेस्क्यूअर, इसके लिए मैकेनिकल का डिप्लोमा रिक्वायर है। उसके बाद है दोस्तों डाइविंग सुपरवाइजर, इसके लिए FA या FSC क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। उसके बाद है दोस्तों इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, इसके लिए नर्सिंग का डिप्लोमा रिक्वायर है। नंबर 12 पे है फायर रेस्क्यूअर, इसके लिए FSC या डिप्लोमा रिक्वायर है। उसके बाद है डायरेक्ट रेस्क्यूअर, इसके लिए सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल का डिप्लोमा रिक्वायर है। नंबर 14 पे है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इसके लिए इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा रिक्वायर है। नंबर 15 पे है ड्राइवर, इसके लिए स्केटरी एजुकेशन रिक्वायर है। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क, इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर है क्वालिफिकेशन। उसके बाद है ऑटो मैकेनिक, इसके लिए ऑटो डीजल का डिप्लोमा रिक्वायर है। उसके बाद है सीनियर स्टोर कीपर, इसके लिए मैट्रिक और फार्मेसी का साथ डिप्लोमा रिक्वायर है। उसके बाद है ऑपरेटर फॉर हैवी मशीनरी, इसके लिए मीटर रिक्वायर है, 5 साल का एक्सपीरियंस साथ ही। नंबर 20 पे है सिक्योरिटी इंचार्ज, इसके लिए मीटर पास रिक्वायर है और साथ ही उम्र के हाथ इसमें 25 से 40 साल रखी गई है। 21 पे है हेल्पर फॉर हैवी मशीनरी, इसके लिए क्वालिफिकेशन मीटर रिक्वायर है और साथ ही LTV का लाइसेंस भी रिक्वायर है। उसके बाद है ड्राइवर LTV, इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है और फिजिकली फिट होना जरूरी है। नेक्स्ट है ड्राइवर HTV, इसके लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है HTV का लाइसेंस, 3 साल का एक्सपीरियंस का, मिडिल पास रिक्वायर है, 18 से 30 साल उम्र की हद है इसमें। नंबर 24 पे ऑफिस अटेंडेंट है, इसके लिए मैट्रिक और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है मीटर और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों। उसके बाद है सिक्योरिटी गार्ड, इसके लिए मीटर रिक्वायर है क्वालिफिकेशन। और लास्ट में है स्वीपर दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है पढ़ना लिखना जानता हो और हर पोस्ट के आगे उसका क्राइटेरिया और उम्र की हद लिखी हुई है दोस्तों। इसका जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है वो ये है, मैं आपको उस वेबसाइट पे ले चलता हूँ, www.pgs.org.pk। आप देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ऑल प्रोजेक्ट्स, मैं इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों। नंबर वन पे ये लिखी हुई है रेस्क्यू 1122 के, ये लेटेस्ट जॉब्स हैं, इस पर मैं क्लिक करूंगा दोस्तों। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 4 तक जो पोस्ट है उसके लिए ये अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इसी तरह नंबर 13 से 16 के लिए ये करना, मैं इनमें से कोई भी ओपन करूंगा इसका एप्लीकेशन दोस्तों। आपने इस तरह फिल करना है, आपका पहले नंबर पे नाम आ जाएगा, उसके बाद आपका फादर नाम, इसके बाद आपका मेल है या फीमेल है, उसके बाद दोस्तों आपका CNIC नंबर है, नेक्स्ट मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका ईमेल आ जाएगा और आपका परमानेंट एड्रेस है और आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है या प्रोविंस का वो आ जाएगा। उसके बाद आपका रिलीजन आ जाएगा, मजहब आपका जो भी है। उसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपने टिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी मार्क्स की डिटेल आ जाएगी, पहले मिडल है फिर मैट्रिक है, उसके बाद है इंटरमीडिएट, इसी तरह नेक्स्ट जो भी हुई वो आपने फिल करना है। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस आपने कहीं से गेन किया है वो आपने ऐड करना है यहाँ दोस्तों। ये इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है या ये आपने इसमें क्लिक कर देना है, जो जो आप डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ दोस्तों आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और इधर आपका लेफ्ट थंब आ जाएगा, वो आपने लगाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपने तो आपने इसकी फी UBL बैंक के किसी भी ब्रांच में जमा करवानी है, वो है 420। उसके बाद दोस्तों जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद दोस्तों आपने अपने डॉक्यूमेंट साथ लगा कर आपने जिस एड्रेस पे पोस्ट करनी है वो ये है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजल हक बिल्लू एरिया इस्लामाबाद। दोस्तों मेन बात बता दूं मैं इसमें, इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। और अप्लाई के दौरान दोस्तों अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी ऐड का लिंक दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।